हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें चैप्टर नंबर 10 है हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स, उसका आज वीडियो नंबर 4 देखने जा रहे हैं कि जिसका आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड या फिर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट द वेस्टिंग टाइम। सो द टॉपिक इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें हेलोजन एटम, कार्बन हेलोजन जो सी एक्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन एंड हेलोजन, तो उसके अंदर हेलोजन एटम है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन एटम कैसा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ X मतलब कि हेलोजन इज मोर एज कंपेयर टू दी कार्बन। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड दैट इज सी एक्स बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, क्या है अल्काइल हैलाइड, सी एक्स बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड विल बी पोलराइज्ड, क्या हो जाएगा ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ओके, द कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है ओके उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ऐसे डेल्टा प्लस, एंड हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ओके, तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, अल्काइल हैलाइड का जो RX बॉन्ड कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है ओके, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या हो जाएगा कि हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड जो है, ठीक है, वो मेरी बात की अभी आपको क्या हो जाएगा सी एक्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड मतलब क्या होगा, प्लस माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बोला कि भाई कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, जैसे कि हमारे पास एफ सी एल बी आर आई, यानी कि ये जो पूरी बात है, ठीक है, ये कौन सा है ग्रुप नंबर 17, हेलोजन ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रुप नंबर 17। तो हेलोजन के अंदर आप जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, देखो मैं यहां पे वो भी मेंशन कर देता हूं, टॉप टू डाउन,
तो टॉप टू बॉटम या फिर टॉप टू डाउन अगर आप जा रहे हो, ओके, फिर से हेलोजन के अंदर ग्रुप नंबर 17 के अंदर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ओके, हेलोजन एटम इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, जो साइज ऑफ हेलोजन एटम होगी, ओके, हेलोजन एटम का जो साइज है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो वो इंक्रीज हो रही है, ओके, एज वी गो डाउन इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी देखो, उसकी वजह से फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट, फ्लोरीन एटम जो है वो कैसा रहेगा, तो क्या भाई फ्लोरीन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट, यहां पे क्या बोला है, टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, ठीक है, तो साइज जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ रही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर जा रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 17 के अंदर, तो हम बोल सकते हैं उसके हिसाब से कि भाई फ्लोरीन सबसे ऊपर है टॉप में है तो उसका साइज कैसा रहेगा, तो क्या स्मॉलेस्ट, ओके, एंड आयोडीन जो आपको नीचे मिल रहा है, ओके, वो कैसा है, आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट साइज, उनका साइज ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बॉटम में है, तो टॉप टू बॉटम में जा रहे हो तो वो इंक्रीज होता जा रहा है, साइज बढ़ रही है, ओके, तो आप बोल सकते हो यहां से 1-1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज रहेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे कम रहेगा बच्चों, एंड आयोडीन का जो साइज रहेगा वो लार्जेस्ट रहने वाला है, ठीक है, तो ये एक चीज हमें याद में रखनी है, ठीक है। देन नाउ कंसिक्वेंटली द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन सी एक्स बॉन्ड जो है उसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उनकी बॉन्ड लेंथ जो है ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजेस, कहां से कहां बढ़ेगी, तो कि सबसे पहले देखो कार्बन एंड फ्लोरीन, ओके, देन उससे थोड़ा बढ़ जाएगा कार्बन एंड क्लोरीन, एफ के बाद सीएल, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो देखो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ी हुई है, यहां पे दिख रही है सी सीएल में, ठीक है, देन यस कार्बन एंड ब्रोमीन सी बी आर बॉन्ड, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में देखो बढ़ी हुई दिख रही है, ओके, देन आयोडीन, तो आयोडीन के केस में देखो सबसे ज्यादा दिख रही है, ठीक है, सो टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज, ओके, नाउ आप देखो यहां पे ऐसा लिख सकते हो कि बॉन्ड लेंथ के केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, तो सी आई देन सी बी आर देन सी सी एल एंड देन सी एफ, ओके, सो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा 1 नंबर पे आयोडीन, 2 नंबर पे ब्रोमीन, 3 नंबर पे क्लोरीन एंड 4 नंबर पे फ्लोरीन, उल्टा पूछे सबसे कम, ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, तो क्या भाई फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नाउ सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मोमेंट्स, ये हमें टेबल के अंदर दी है, तो चलिए देखते हैं बच्चों टेबल के अंदर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है बॉन्ड कौन सा बन रहा है, CH3F,
फ्लोरो मीथेन या फिर मिथाइल फ्लोराइड, ये दोनों नॉमेनक्लेचर आपको पता होने चाहिए बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया हुआ है। बोन लेंथ इन पिकोमीटर देव गिवन, तो वो है 139 पिकोमीटर। एंड सी एक्स बॉन्ड की एंथाल्पी जो है किलो जूल पर मोल में 452 किलो जूल पर मोल। डाइपोल मोमेंट जो डी बाय में मेजर करते हैं, ठीक है, उसको आप डाइपोल मोमेंट को ऐसे म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वो है 1.847। ओके, तो सबसे पहला था ये फ्लोरीन का, ठीक है, CH3F का। नाउ नेक्स्ट, तो इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास है CH3Cl, क्लोरो मीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। बॉन्ड लेंथ देखो तो 178 पिकोमीटर है। देन बॉन्ड एंथाल्पीज 351 किलो जूल पर मोल एंड द डाइपोल मोमेंट इन डी बाय इज 1.860। देखो तो आप कि भाई बॉन्ड लेंथ जो है वो फ्लोरीन में से क्लोरीन में बढ़ा हुआ है एंड बॉन्ड एंथाल्पी जो है वो फ्लोरीन में से एफ फ्लोरीन में से क्लोरीन में कम हुआ है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एंथाल्पी कम हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन CH3Br, ब्रोमो मिथेन और मिथाइल ब्रोमाइड, 193 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ और बढ़ी। तो सी एक्स बॉन्ड की जो एंथाल्पी है, बॉन्ड एंथाल्पी किलो जूल पर मोल में, वो 293 किलो जूल पर मोल है और कम हुई। मतलब कि बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड एंथाल्पी कम हुई। देन डाइपोल मोमेंट 1.830 डी बाय। डाइपोल मोमेंट में देखो कोई रिलेशन आप नहीं देख सकते हो। पहले 1.847 फ्लोरोमीथेन में से 1.860 क्लोरोमीथेन में, यानी कि बढ़ी, पर फिर देखो ब्रोमोमीथेन के अंदर वो कम हुई। सो यू कैन नॉट से दैट वेदर द डाइपोल मोमेंट इज हैविंग द रिलेशनशिप विद द बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथाल्पी। पर बच्चों आप इतना बोल सकते हो ये तीन डेटा के हिसाब से कि भाई जो बॉन्ड लेंथ जब जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड एंथाल्पी कम होती जा रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास CH3I, आयोडो मीथेन, तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ा 214 पिकोमीटर, तो बॉन्ड एंथाल्पी देखो और कम हुई 234 किलो जूल पर मोल। ओके, वेर एज डाइपोल मोमेंट कम हुई 1.636 इन डी बाय। ओके, नाउ इसके ऊपर से आप एक रिलेशन यहां से बना सकते हो कि भाई बॉन्ड लेंथ, दो चीजों के बारे में, सबसे पहले हम मैं आपको बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लिख सकते हो। देखो बॉन्ड लेंथ तो सबसे CH3F उससे ज्यादा किनका है, तो के भाई CH3Cl, देन और बड़ा CH3Br, और बड़ा CH3I। तो ये हो गया रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज होती जा रही है। ओके, टॉप टू बॉटम में आप जा रहे हो तो नाउ बॉन्ड एंथाल्पी की मैं बात करूं, बॉन्ड एंथाल्पी, तो उनका जो रिलेशन है उसमें सबसे पहले CH3F उनका सबसे हाईएस्ट है, देन CH3Cl, देन
CH3 Br then CH3 I. मतलब कि आप देखो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। और वो तो सिंपल ही है कि लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, उतना दूर जाएगा पर्टिकुलर एटम आयन जो भी कुछ हो, ठीक है, तो उतना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, जितना दूर जाएगा। और जितना नज़दीक होगा, जितनी बॉन्ड लेंथ कम हो उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए। क्लियर है? ओके, सो दिस इज़ व्हाट द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। एंड ये टेबल बच्चों पूरा याद रखना है MCQ के लिए, ठीक है, बहुत सारे MCQ इसमें से निकल सकते हैं बच्चों, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर JEE नीट गुजकेट इवन फॉर बोर्ड MCQ के लिए, ठीक है। तो ये टेबल पूरा याद रख लेना है, उसमें टेबल में आपको वैल्यू बोर्ड के लिए याद नहीं रखनी, पर JEE नीट के लिए वैल्यू भी याद रखनी, ठीक है। बोर्ड के MCQ के अंदर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो मैंने आपको यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी दोनों का आपको समझाया, ठीक है, तो वो पूरा याद रख लेना है बोर्ड के MCQ लिए। देन दूसरी बात कि ये जो डायपोल मूवमेंट है जो हम डीबाई में मेजर करते हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं बोल सकते आप, ठीक है। हाँ, यहाँ से बोल सकते हो देखो कि CH3Cl में 1.860 में से फिर 1.830 हुआ, ठीक है, एंड देन सडनली आयोडीन के अंदर देखो 1.636 बहुत कम हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले देखो यहाँ पे 847 था, उसमें से यहाँ पे बढ़ा, फ्लोरीन से क्लोरीन में बढ़ा था, पर फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन में कम हुआ और आयोडीन में और कम हुआ, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का रिलेशनशिप आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मूवमेंट्स के उनका रिलेशनशिप। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।